बिल्कुल कड़क है ये, यहाँ पे तो इंसान ही नहीं दिखेगा। अब हमें यहाँ से बाइक धक्का देकर ले जानी पड़ रही है। और ये देखिए रोड के हाल, और बस ये लास्ट पॉइंट हमारा कुछ थोड़ा सा रह गया है इसे क्रॉस करने। और ये खुद रास्ता छोड़ते हुए ये, यहाँ पे कहीं पेट्रोल मिल जाएगा? यहाँ पर जगह जगह पे हमें इस तरीके के जमे हुए स्रोत मिलेंगे। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। गंगोत्री हमें लास्ट की जो पहाड़ी दिख रही है उसी तरफ है कहीं, अब यहाँ से इतना अंदाज़ा नहीं लग रहा। और ये यहाँ पे छोटे छोटे गांव पार देखिए, ये थोड़े गांव ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे इस तरीके से जमी हुई बर्फ, जो भी पानी की बूंदें रात को टप टप कर रही थी, सुबह के लिए बिल्कुल जाम हो चुकी है। और यहाँ पे है ये बगीचा सेब का, और ये नीचे से रोड जाती है। और ये जो नदी बह के आ रही है नाले से, ये है गंगा नदी। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर, जैसे कि आपको मैं ये दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल खड़ी चोटियाँ। और ये था हमारा होटल छोटा सा। यहाँ पे देखिए लकड़ी की इस तरीके की कारीगरी करी जाती थी पुराने वक्त में, ये सब चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी, अब तो मशीनें यूज़ होती है काफ़ी हद तक। और ये देखिए डॉगी, ये काफ़ी बढ़िया घूम रहा है यहाँ पे, यहाँ के टॉप है। और ये यहाँ थोड़ा जंगल, वैसे भी जंगल फिर भी काफ़ी है, अभी टॉप टॉप पे तो काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ी है। और ये रोड यहाँ से जाते हुए यहाँ लगानी पड़ेगी। और ये वहाँ पे पानी का थोड़ा सा झरना बह रहा है। और ये देखिए लकड़ी की अच्छी नक्काशी की हुई है। और ये देखिए एक छोटा सा पौधा पूरी तरह जम चुका है, ये देखिए बिल्कुल कड़क है ये, ऐसा में से तोड़ते तोड़ते कहीं पौधा ही टूट जाए। और ये छोटा सा बाजार जहाँ अभी हम है, ये गंगोत्री जो कि बिल्कुल लास्ट वाली पहाड़ी से भी आगे है। तो ये गंगा यहाँ से बह रही है, और ये यहाँ पे नाला काफी चौड़ा है, ये दरिया है वैसे तो। ये मेमोरी अपनी खाली करते हुए, फोन की इनकी मेमोरी फुल हो गई थी। या नीचे डाउन साइड शायद आर्मी कैंप, अभी श्योर तो नहीं हूँ पर क्या होगा, ये शायद कोल्ड स्टोर भी हो सकता है। और ये था रोड जहाँ से हमें अपनी बाइक को धक्के देकर लाना ले जाना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही खराब पॉइंट है। ये देखिए कैसे शीशे की तरह बर्फ बिल्कुल चमकती हुई, और ये आगे गोलू हमारा वेट करता हुआ। ये देखिए रोड के ऐसे हाल है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना बाइक को ऐसे ऐसे पॉइंट पे पकड़ के ले जाएं। अब हमें यहाँ से बाइक धक्का देकर ले जानी पड़ रही है, क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा स्किट है। अब आगे से लेकर आपके बीच 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 मिल जाएगा आपको बर्फ के ऊपर। ये देखिए ऐसे भी स्ट्रगल करना पड़ता है कई बार, और ये मेरा ग्रिप नहीं बन पा रहा क्योंकि बीच में कहीं कहीं सूखा है, कहीं पे बिल्कुल ही स्किट होने के चांस रहते हैं। ये है तो थोड़ा सा पॉइंट है जो ऐसा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको हम ऐसे हाथ से ही ले जाएं आगे तक। यहाँ पर जगह जगह पे हमें इस तरीके के पानी के जमे हुए स्रोत मिलेंगे। और ये देखिए रोड के हाल, और बस ये लास्ट पॉइंट हमारा कुछ थोड़ा सा रह गया है इसे क्रॉस करने। आप है जहाँ पे गाड़ी को पास देने के लिए चुपचाप साइड में खड़े रहना ही अच्छा रहता है। कहाँ देखा था तूने होटल? यहाँ पर इंसान ही नहीं दिखेगा। न्यूट्रल करता हूँ मैं। अब आपको शोर भी कम आएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगी है पहाड़ी अच्छी। हमने बाइक को धक्का देकर तकरीबन 200-300 मीटर लाया, जिसमें हमारे पसीने निकल गए और शरीर गर्म भी हो गया। और ये ट्रक भी कई दिनों से मेरे ख्याल से यहीं पर खड़ा है बेचारा, ना ये आगे का रहा ना पीछे का, पर ये पीछे जाना नहीं चाहता। थोड़ी आबादी बसी हुई यहाँ सारे, जो आपको आगे तक थोड़ा दिख रहा है ये सीधे सीधे खेत है। और हम बिल्कुल लास्ट में जाएंगे नीचे ढाक के साथ साथ। और ये देखिए जानवरों की पूरी टीम चलती हुई, और ये खुद रास्ता छोड़ते हुए। भैया यहाँ पे कहीं पेट्रोल मिल जाएगा? आगे मिल जाएगा होटल पे। हम रेट पूछना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे हम रुके थे कल रात को वहाँ पे हमें 1000 रुपए का रूम मिला, और तेल तकरीबन 120 रुपए पर लीटर। तब हम यहाँ पे आइडिया लेने के लिए पूछना चाहते कि रूम या फिर तेल हमें क्या रेट मिलेगा। ये एक छोटा सा गांव, और ये ठंड में अपने शरीर को गर्म करते हुए कुत्ते वार्म अप हो रहे हैं। ये लोग शाम को आते हैं, सोचेंगे हम सुबह आ रहे कमरा ढूंढने। रूम मिल जाएगा? कमरा कमरा मिल जाएगा।
मिल जाएगा। गर्म पानी है? गर्म पानी, ठीक है। कमरे का कितना किराया रहेगा? 800 रुपये। 800, ठीक है। और तेल मिल जाएगा? पेट्रोल, पेट्रोल तो 2 किलोमीटर कोई चला जाएगा तो मंगा लेना पेट्रोल। पीछे हम एक्चुअली आगे जा रहे थे, नीचे को। नीचे को तो नहीं कह सकते, ये तो उत्तरकाशी के आसपास मिलेगा। ये प्लेस है, हम इस रोड से ऐसे जाएंगे, ये देखिए सामने जाएंगे, फिर ऐसे घूम के इधर आएंगे, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर थोड़ा सा उधर, फिर यहाँ से स्ट्रेट इस नाले के घाटी के अंदर अंदर से फिर हम स्ट्रेट बाहर निकल जाएंगे। और ये अब हम जा रहे हैं इस गांव को छोड़ के, सुखी टॉप है इस जगह का नाम। यहाँ पे हर चीज़ का नाम इंग्लिश में है, टॉप। कोई दो तीन जगह मैंने सुनी, वहाँ भी जैसे एक हो गया धरासू बैंड था उस जगह का नाम। और ये देखिए सामने गांव, और ये आपको जो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है तकरीबन इसके आसपास ही है वो गंगोत्री, जहाँ पर हम जा नहीं सके। अब देखते हैं एक दो साल बाद जब भी मौका मिलेगा हम फिर आएंगे, पर हम आएंगे तकरीबन बरसात के बाद, क्योंकि सीज़न के दौरान यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो मैं नहीं चाहता भीड़ भाड़ के बीच आना। रोड एक्सीडेंट एरिया, और ये देखिए टनल भी है, ये देखिए क्या बढ़िया रोड है। आप देखते रहिए, ऐसा व्यू हमें बार बार नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही सीधा मोड। और ये बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर दोनों साइड, क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ब्रिज को करेंगे क्रॉस, और अब दूसरे गियर पे आना पड़ गया। घाटी है ना, चारों तरफ आवाज गूंज रही है, ये रोड बिल्कुल ही कंजस्टेड है। अब हम पहुंच चुके हैं घाटी में नीचे, अब तो तेल पे चलेगी जी गाड़ी, अब चढ़ाई आने वाली है आगे से, पुल भी आप देख लेंगे इसी बहाने। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।